हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट लेआउट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एचटीएमएल के लिंक टैग के बारे में पढ़ेंगे। लिंक टैग होता क्या है और इसका मतलब क्या है। आप देख सकते हैं एचटीएमएल लिंक्स आर हाइपरलिंक, मतलब ये हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या होता है मैं बताऊंगा, आपको बता रहा हूँ। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड जंप टू अन अदर डॉक्यूमेंट। When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into the little hand. Use the a tag element to define a link. Use the href attribute to define the link address. Use the target attribute to define where to open the linked document. Use the image tag element inside a tag to use an image as a link। मतलब लिंक टैग क्या होता है? लिंक टैग हाइपर लिंक का काम करता है। सपोज अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये जंप होकर कहीं और पेज पे चला जाए, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ओके, लिंक आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, हेडिंग टैग के अंदर लगा सकते हैं, किसी डिव के अंदर लगा सकते हैं, कहीं भी आप लिंक लगा सकते हैं। लिंक आप चाहते हैं तो यूआरएल लिंक दे सकते हैं, लोकल लिंक दे सकते हैं कि आपके फाइल को आपके फाइल में ही जंप करे, आपके फोल्डर में ही जंप करके लाए फाइल। तो ये लिंक के फीचर्स हैं। आइए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि लिंक टैग काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक वेबसाइट भी है लेटेस्ट लेआउट डॉट कॉम के नाम से। यहाँ पे आप फ्री और प्रीमियम वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एचटीएमएल लिंक टैग। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एचटीएमएल लिंक टैग के लिए एक अपना एचटीएमएल पेज खोलते हैं। इसमें हम फाइल को पहले सेव करें एचटीएमएल में। इसको हम लिखते हैं लिंक टैग डॉट एचटीएमएल के नाम से हमने फाइल सेव किया। और हम अपनी कोडिंग लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर लिंक टैग। ओके, बॉडी में मैंने जैसे बताया था आपको, लिंक टैग लिखने के लिए हमें ए टैग का यूज करना पड़ता है। हमने लिया ए टैग। अब क्या है ए टैग के अंदर, हम क्या देखिए क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या मैंने बताया था। आप इमेज भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, अब देखिए आप यहाँ लिखते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं एच आर एफ क्या होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। एच आर एफ एट्रीब्यूट टू डिफाइन द लिंक एड्रेस, मतलब एच आर एफ क्या करता है, ये लिंक जो होता है उसका एड्रेस डिफाइन करता है। जैसे मान लिया हमारा लिंक है, जिस चीज़ को हम लिंक करना चाहते हैं, जहाँ से हम जंप करना चाहते हैं, वो एड्रेस डिफाइन करेगा। सपोज डैट मैंने जो फाइल बनाया है यहाँ पे लिस्ट टैग बनाया, लिस्ट एचटीएमएल, इसको लिंक कराना है, इसको ओपन कराना है। कैसे होता है अब देखते हैं। इसको लिखते हैं लिस्ट डॉट एचटीएमएल, एक्सटेंशन भी लिखना पड़ेगा आपको। और हम यहाँ लिखते हैं ओपन लिस्ट टैग। अब इसका आउटपुट देखते हैं, सेव किया मैंने, इसको ओपन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं क्या दिखता है हमारा लिंक टैग का। अब देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ इसको। अब देखिए ओपन लिस्ट टैग। अब देखिए, जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि जो हाइपर लिंक होता है, जो ए टैग होता है, उस पर आप माउस जैसे ले जाएंगे तो हैंड का निशान आ जाएगा। आप देख सकते हैं हाथ का निशान आ रहा है, हटा दिया, हट गया। मतलब अगर हाथ का निशान जहाँ पर आ रहा है, आप समझ लीजिए कि वहाँ क्लिक करने के लिए बोल रहा है, वहाँ क्लिक कर सकते हैं, इसके पीछे कुछ छुपा है, यहाँ से कहीं और जा सकते हैं, इतना क्लियर कर लो। मतलब अगर हैंड आ गया माउस, अगर आपका माउस कर्सर चेंज हो गया, हैंड आ गया, तो समझो यहाँ से क्लिक करने पे कहीं ना कहीं जाएगा, कुछ ना कुछ खुलेगा। तो आप यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए
क्लिक किया, हमारा लिस्ट टैग ओपन हो गया, देख सकते हैं। बट एक चीज़ और आपने नोटिस किया कि हमारा जो पहले वाला पेज था वो तो हट गया, उसी पे यह लिस्ट टैग ओपन हो गया। तो क्या करते हैं उस केस में, अगर चाहते हैं किसी अलग टैब में खोले, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका टारगेट ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक क्या होता है मैंने आपको बताया था, एट्रिब्यूट टू डिफाइन वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, मतलब आप कहाँ ओपन करना चाहते हैं उसको डिफाइन करता है। इसको सेव किया हमने और दोबारा से ओपन करते हैं, देखते हैं। लिंक टैग को ओपन किया, ओपन कर रहे हैं, देखिए अब यह देख सकते हैं लिस्ट टैग तो ओपन हुआ ही हुआ, बट हमारा लिंक टैग भी है अपनी जगह पे, मतलब दूसरे टैब में ओपन हुआ। तो टारगेट ब्लैंक का ये मतलब होता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि अगर URL को लिंक कर रहा है तो कैसे करते हैं। सपोज हम लेते हैं H2 टैग में हमने लिया, देखिए अब A टैग लिया आपने, HRF, ओके। अब URL को कॉल करते हैं, URL से सपोज इट हमारा URL है, अपनी वेबसाइट को ही ओपन करते हैं, जैसे और वेबसाइट है, अपनी URL दिया, इसको हमने यह दिया टारगेट ब्लैंक, और यहाँ पर हमने A को बंद कर दिया क्योंकि A टैग को क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं क्लोज करेंगे तो एरर आ जाएगा। और हमने H2 कंधे लिख गया URL लिंक हियर, देखिए इसका आउटपुट देखिए, ये एंकर में लिखा है, इसको हमने H2 में लिखा तब भी लिंक बना हुआ है। क्लिक किया हमने, देखिए URL खोल गया, इंटरनेट भी चल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ओपन नहीं हुआ, बट ये देखिए आप URL यहाँ एक्सेस हो रहा है फ्रेंड्स। ये होता है हाइपर लिंक A टैग। अब किसी इमेज पे भी इसको कॉल कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे अगर आप इमेज पे लिखते हैं, आपने एक एंकर लिया, HRF किया आपने, एक टैग बंद कर दिया आपने यहाँ पे, इसके अंदर अगर आप इमेज एट्रीब्यूट लेते हैं, इमेज सी इमेज का आपका पाथ कुछ भी दे दें, जो भी आपका इमेज हो, मान लो डेमो डॉट JPG, उसका ऑल्ट दे दिया आपने डेमो, ओके। अगर जब ओपन करेंगे तो इमेज आएगा, इमेज पे क्लिक करेंगे तब भी वो कहीं ना कहीं जंप करेगा। तो फ्रेंड्स ये होता है लिंक टैग, जिसको हाइपर टैग मतलब हाइपर लिंक बोलते हैं। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी टैग के अंदर, इसके अंदर P टैग लगा सकते हैं, इमेज टैग लगा सकते हैं, आप यहाँ चाहे तो P टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं दिस इज मतलब कुछ भी लिख दीजिए इतने बड़े पे, आप देखिए इस पर भी लिंक लग जाएगा, आप देख सकते हैं इस पर भी लिंक लग जाएगा, इमेज है देखो फ्रेंड्स, ऑल्ट की स्पेलिंग गलत है, मैंने ऑल्ट के बारे में बताया था, ऑल्ट का मतलब क्या है, देखो डेमो, इमेज नहीं दिखाना, लेकिन यहाँ डेमो आगे मतलब डेमो का इमेज यहाँ लगाया था, यहाँ क्लिक करेंगे जंप करेगा, इतना बड़ा टेक्स्ट दिया है ये भी जंप करेगा, मतलब जहाँ जंप कराना, जो टारगेट करना चाहते हैं आप वहाँ पर SRC में दे दीजिए, मतलब सॉरी हम HRF में, वहाँ पर जंप करके चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर देते हैं लिस्ट .html, अब देखिए अगर आप डेमो पे क्लिक करेंगे ना तो लिस्ट वाली पेज खुल जाएगा, देख सकते हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तब भी लिस्ट वाला खुल जाएगा, मतलब ऐसे हाइपरलिंक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हाइपरलिंक A टैग के बारे में समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो आए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।